अभय गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग से शीतल ठाकुर ने जो भूमिका के बारे में बताया वो निकलता ही नहीं है। अभय चुपके से भूमिका के घर में घुस जाता है। उसे टेबल पे उपन्यास मिलता है जो भूमिका ने अभी लिखा हुआ है। अभय उस उपन्यास के चंद कागज उठा के पढ़ने लगता है। अभय परेशान हो जाता है। अभय एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं भूमिका क्या करना चाहती है। क्या सचमुच वो इस तरह से खून करते जा रही है? अभय का जूनियर कर्मचारी युगांत भूमिका के दोस्त राम तिवारी के साथ अभय की एक मीटिंग फिक्स करता है। वो मीटिंग करना अभय के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो भूमिका के बारे में उससे जान सके। युगांत की बिल्डिंग के नीचे अभय उसका इंतज़ार कर रहा होता है। सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। तभी अचानक उसे ख्याल आता है कि जब वो भूमिका के घर में घुसा था और उसने उसका नया उपन्यास पढ़ा था तो उस उपन्यास में ये लिखा हुआ था कि 3 सितारा पुलिस अफसर का जूनियर उसका भी खून हो जाएगा और उसका खून भी उसी स्क्रू ड्राइवर से होगा। तभी अभय परेशान होने लगता है और उठ के तेज़ी से युगांत की बिल्डिंग की तरफ भागता है। वो खूब तेज़ी से युगांत को बचाने के लिए भाग रहा होता है। अभय युगांत की बिल्डिंग में तेज़ी से दौड़ के घुसता है और वो उसका दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है। तभी युगांत की लाश वहाँ मिलती है। उसके जिस्म पर भी उसे स्क्रू ड्राइवर के निशान मिलते हैं। अभय बहुत दुखी हो जाता है। इस केस के चलते उसने युगांत को भी खो बैठा। अभय सूत्रों के द्वारा राम तिवारी के घर का पता लगवाता है। फिर वो अपने सीनियर से राम तिवारी के लिए अरेस्ट वारंट लेता है और अपने साथ पुलिस फोर्स लेकर राम तिवारी की बिल्डिंग में घुस जाता है। अभय पुलिस फोर्स लेकर जब बिल्डिंग में घुस जाता है तो राम तिवारी घर पे नहीं होता। वो लोग ताला तोड़ के राम तिवारी के फ्लैट में घुस जाते हैं। पूरी तरह से छानबीन करने लगते हैं। तभी छानबीन करते वक्त अभय के हाथ सुराग लगते हैं। अभय को राम तिवारी के घर में जनार्दन उपाध्याय की कुछ तस्वीरें मिलती हैं और एक सुराग मिलता है जिसमें जनार्दन उपाध्याय को मारने का प्लान होता है। उनके अलावा दीपक श्रीवास्तव को किस तरह से अपने रास्ते से हटाना होगा और युगांत को भी किस तरह से मारना होगा, ये सब कुछ उसे वहाँ मिलता है। अभय राम तिवारी को ढूंढ निकालता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे फेंक देता है। अभय को राम तिवारी के घर से जो भी सुराग और सबूत मिलते हैं वो सब कुछ हत्या होने के पहले के मिलते हैं। राम तिवारी चुपचाप जेल चला गया, ये बात सोच के अभय खुद परेशान होता है। वो ये सोच रहा होता है कि राम तिवारी ने अपने डिफेंस में किसी को खड़ा क्यों नहीं किया। राम तिवारी सचमुच कातिल है या फिर ये किसी का प्यादा है? अभय परेशान होकर अपने घर लौट जाता है। जब वो अपने घर जा रहा होता है तो बिल्डिंग के पास उसे एक साया सा दिखता है। जब वो पलट के देखता है तो वहाँ पे भूमिका खड़ी होती है। भूमिका को देख के अभय हड़बड़ा जाता है। भूमिका अभय को कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। तभी अभय भूमिका को अपने घर के अंदर ले जाता है। भूमिका अभय से कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे। वो उसके बिना जी नहीं सकती। उसको याद कर करके वो तड़पती रहती है, इसलिए आज वो उससे मिलने आई है ताकि वो उसे माफ़ कर दे और अपना ले। अभय भूमिका को बताता है कि राम तिवारी पकड़ा गया है। काफ़ी सबूत मिले हैं राम तिवारी के घर से, पर उसे फिर भी पता नहीं क्यों यकीन नहीं है कि तमाम खून राम तिवारी ने किए हैं। भूमिका अभय से कहती है कि उसे शक था कि राम तिवारी उसके उपन्यास का फ़ायदा उठा रहा है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो कुछ कर ना पाई। अब है भूमिका को ये भी बताता है कि शीतल ठाकुर से उसकी मुलाकात हुई थी और शीतल ठाकुर ने भूमिका के बारे में उसे काफ़ी कुछ बताया है। भूमिका कहती है कि सब कुछ मेरे बारे में जान चुके हो तो मुझे माफ़ करके अपना लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। धीरे धीरे वो अभय के करीब आने लगती है। फिर उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिलते हैं। अभय पिघल जाता है और भूमिका के जिस्म को प्यार से भर देता है। अभय और भूमिका के बीच में संभोग होने लगता है। भूमिका की अगन में अभय पिघल जाता है। अभय भूमिका को माफ़ करके आखिर उसे अपना ही लेता है। अभय और भूमिका बैठ के अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं। भूमिका से अभय शादी करने के लिए कहता है। भूमिका फौरन अभय को हाँ कह देती है। तभी हम देखते हैं
कि वो स्क्रू ड्राइवर जिससे कई लोगों का खून हुआ है वो भूमिका के बैग में है, और वो बैग अभय के घर के दरवाजे पर लटक रहा है।